मैं उसी का जिम्मेदार हूँ जो मैंने कहा, उसका नहीं जो तुमने समझा है। आज हम बात करने वाले हैं फ्री टिप्स फॉर लाइफ। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती तरह होती है, अगर हम थोड़ा इंतजार करें तो वह हरी हो जाती है। इस तरह लाइफ ही होता है, थोड़ा हम सब्र करें, प्रयास करें, कोशिश करें, समय बदलता ही है। इस दुनिया में हर किसी इंसान पास समान अवसर है। इस टाइम को बना लो या बिगाड़ लो, ये आपके हाथों में है। इस दुनिया में किसी भी इंसान को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि हर किसी का माइंड अलग अलग है, उसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर कुछ बदलना ही है तो खुद की ग्रोथ पे फोकस करो, खुद की लाइफ पे फोकस करो। जो हम चेंज करना चाहते हैं खुद की लाइफ को बदलो, दूसरों को नहीं। तो दूसरों को बदलना बहुत मुश्किल होता है। आप हमेशा उन लोगों से संपर्क ना करें जिन्होंने आपको हमेशा कठिन समय दिया हो, क्योंकि आपके बारे में पहले भी बुरा सोच रहे थे, आज भी बुरा सोच रहे हैं, हमेशा आपका बुरा ही सोचेंगे। ऐसे लोगों की लाइफ में कोई भी जरूरत नहीं है। एक बार हमेशा लाइफ में याद रखना है, कोई भी इंसान इस दुनिया में एक दिन में सफल नहीं हुआ है, उसके पीछे कई साल, कई रातें, कई दिन उसने गुजार दिए, तब जाके उसको वो सफलता मिली। अगर आप भी कोई काम कर रहे हो, उसमें कोई इंटरेस्ट है आपको, कुछ भी कर रहे हो, तो आप उसके प्रति समर्पित हो जाओ और उसके प्रति इच्छित होने की आपको जरूरत है। तो वही सिर्फ ऐसा एक काम है जिसको आप लाइफ में लेके फोकस करके उसको आगे ले जा सकते हो, आपकी ये लाइफ को चेंज कर सकता है। इसलिए जी जान लगा दो उस काम को करने में जहाँ पे आपको दिखता है कि हाँ, मैं लाइफ में यहाँ पे 100% देके अपना 100% काम और मुकाम अपना हासिल कर सकता हूँ। हम सभी हर समय लगातार संघर्ष करते रहते हैं। एक्चुअली में जो हम चाहते हैं वो आज तक पाए नहीं है, क्योंकि हारने मन आपको, क्योंकि कोई भी इंसान पहले प्रयास में सफल नहीं होता है, उसको हजारों प्रयास करने पड़ते तब जाके वो सफलता मिली। वो आपको जब लगने लगे कि आपका इस काम में दिल लगने लगा है, तो पूरी जी जान लगा दो उसको पाने में। हर एक छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है, इसलिए छोटे छोटे प्रयास करते रहिए, आप एक दिन कामयाब हो जाएंगे। आपको वो मंजिल मिल जाएगी जो आप चाहते हो। कि हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है, हम छोटे प्रयासों पर कभी अमल नहीं करते हैं, हम बड़ी चीज़ों पर फोकस करते हैं, तो कभी कभी छोटी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिसने भी खुद को खर्च किया, दुनिया ने उसको गूगल पे सर्च किया। मेहनत इसलिए करते रहिए बिना सोचे समझे, लेकिन आपको मेहनत भी करनी है सोच और समझ के, उस जगह पे सही टाइम पे। क्योंकि मेहनत ऐसी जगह पे नहीं करना, अपने टाइम से बर्बाद करना, ऐसी जगह नहीं जहाँ पे आपको अच्छा लगे और जहाँ पे आपको विजन अपना क्लियर दिख रहा है कि हाँ, मैं इस काम को करके अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूँ, तो वही आपके लिए सही टाइम है और सही काम है। सोच समझ के हमेशा डिसीजन लेना चाहिए। सपनों को एम बोलना शुरू कर दें, कि सपने देखे जाते हैं और एम को अचीव किया जाता है। अपने आप को पागल बनाना बंद करो। जिस काम से आपको खुशियां नहीं मिलती हैं, तो लाइफ में उस काम से खुशियां कैसे आ सकती हैं? आप उस काम को करो जहां पे आपका दिल लग रहा है, मन लग रहा है, जहां पे आपका इंटरेस्ट है 100%, आपको लगता है कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूं, तो उसी जगह पे काम करना चाहिए, वहां पे नहीं जहां पे जिंदगी आपकी बर्बाद हो रही हो। आपने भी देखा होगा, एक तीर को पीछे खींच कर ही छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो, तो समझना आपका वेस्ट टाइम आ गया है जो आप चाहते हो। क्योंकि इस दुनिया में बिना त्याग के कुछ भी संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। हमेशा डरते रहने से अच्छा है कि एक बार खतरे का सामना किया जाए। लाइफ में डर के नहीं जीने का, तो लाइफ बहुत टफ होती है, इसको इजी बनाना पड़ता है। कोई लाइफ बना के नहीं देगा, आपको खुद बनानी पड़ेगी। खुद इस दुनिया में आपको भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, लोगों को अलग अलग तरीके से फेस करना पड़ेगा। क्योंकि इस दुनिया में हर कैटेगरी के लोग हैं, आपको नए नए माइंड के अलग अलग लोग मिलेंगे, जिनको समझाना और समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन।